नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। आर्या स्पीड में आपका स्वागत है। आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले पर और सुनवाई की जरूरत, 21 फरवरी को अगली सुनवाई। हिंदू राष्ट्र पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा देश में हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। भिवानी में 2 लोगों के कंकाल मिलने के बाद मृतकों के गांव में हो रहे मेव समुदाय की पंचायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का ट्विटर ने ब्लू टिक लिया वापस। तेलंगाना के जनगांव में सरकारी अस्पताल में लीक हुआ क्लोरीन गैस का सिलेंडर, मची अफरा तफरी। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लेकर कल भारत पहुंचेगा ग्लोब मास्टर विमान, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। त्रिपुरा में हुई बम्पर वोटिंग, विधानसभा चुनाव में 86.10% हुआ मतदान। अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित करने का अमेरिकी संसद में आया प्रस्ताव, तिलमिला सकता है चीन। दिल्ली के यमुना विहार में कार पार्किंग को लेकर पिता पुत्र को गोली मारने का मामला आया सामने, घायलों का इलाज जारी, पिता की स्थिति गंभीर। अजमेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक से गैस टैंकर की हुई टक्कर, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में नेपाल द्वारा निर्मित 2 निलंबर पुलों का किया गया उद्घाटन, पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी और नेपाल के जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। प्रयागराज में पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने करीब 125 किलो गांजा किया बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 97 किलोमीटर पूर्व में सुबह 5 बजे आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। दिल्ली के हैदरपुर बादली में निर्माणाधीन मेट्रो के शटरिंग का एक हिस्सा कार पर गिरा, हादसे में एक व्यक्ति घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। असम के जोरहाट चौक बाजार में लगी आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। आग बाजार के मेन गेट के पास एक कपड़े की दुकान में लगी 300 से अधिक दुकानें जलकर खाक। झारखंड एटीएस ने G20 समिट से पहले रांची के एक निजी होटल में किया मॉक ड्रिल, मार्च के पहले सप्ताह में G20 शिखर सम्मेलन की रांची में होने वाली 2 बैठकें। झारखंड में नक्सलियों का आतंक, पंचायत भवन को बम से उड़ाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर नक्सलियों ने अपनी मांग रखी। हरियाणा के पलवल में ऑटो और स्कूल बस में भिड़ंत, शादी समारोह में लौट रहे थे 5 लोगों की मौत। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ी, मौत का आंकड़ा 41,000 के पार। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बोलते हुए कहा कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो है, ये पत्रकारिता का सर्वनाश रूप है जिसमें नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, ये सच्चाई से बहुत दूर है। मार गिराए गए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे थे जासूसी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले शी जिनपिंग से करेंगे बात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, लाहौर पुलिस पहुंची इमरान खान के घर। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 94 रन पर 3 विकेट। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से दिया इस्तीफा, स्टिंग ऑपरेशन के बाद आए थे विवादों के घेरे में।